अल्हम्दुलिल्लाह والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي इस सेशन के लिए टाइम को कंफर्म करने का कॉल निसार से आया था कुछ दिन पहले और वो आज हमारे साथ हमारे दरमियान में नहीं है। उनको ट्रिब्यूट दिए बगैर, उनके ताज़ियत के अल्फाज के बगैर ना ये तकरीर ना ये सेशन मुकम्मल हो सकता, ना उसका हक अदा हो सकता और इसको भूसने को भी अभी गदर सैद ने आपके सामने रखा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला भी हम सब को अपने मैदानों में माहिर बनने के साथ साथ उसके ज़रिए से इस्लाम को कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला बनाए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के 40 ईयर्स इस साल मुकम्मल हुए। 19 अक्टूबर को ये फॉर्म हुई थी और पिछले कुछ दिनों में इसके 40 साल मुकम्मल हुए और इस 40 सालों के अंदर हज़ारों लाखों नौजवानों की जिंदगियों को इसने तब्दील किया। और उसका बस एक एग्जांपल, क्योंकि बहुत फ्रेश है, आपके सामने रखता चलूँ कि निसार के वालिद साहब कल तदफीन के बाद मिलते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने उनको एस आई ओ के कारवां में लिया। आप सोचिए कि किस अंदाज में आँखों की ठंडक इस कारवां ने उस नौजवान के वालदेन की उनको बनाया। इस अंदाज में सैकड़ों लाखों नौजवानों को स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने इस अंदाज में तैयार किया कि वो अपने अखलाक में बेहतरी लाएँ, अपने ईमान में पुख्तगी लाएँ, अपनी सलाहियतों में इर्तफा करें, इल्म के मयारों को के बुलंदियों तक पहुँचे और अपनी पूरी कैपेसिटी को इस अंदाज में बिल्ड करें कि वो अपने आप में नाफियत और बेनिफिशियल चलाए ताकि वो लोगों का फ़ायदा पहुँचा सकें। और ये सारे उस गर्ज के लिए कि सोसाइटी को फिर इस अंदाज में रिकन्स्ट्रक्ट करें, सोसाइटी के अंदर इस अंदाज में चेंज लाएँ जो डिवाइन गाइडेंस, इलाही हिदायत, कुरान और हदीस के मुताबिक हो। इस सफ़र के 40 साल मुकम्मल हुए और इस 40 साल के अंदर बहुत सारे नौजवान आए, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए इस दुनिया से गुजर गए और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए फिर आगे के मराहिल के अंदर तहरीक इस्लामी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें से हमारे असलाफ और सीनियर्स हमारे अभी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। 40 ईयर्स के इस मौके पर स्टेट कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान रखा गया वो इग्नाइटिंग चेंज का है कि चेंज लाना है। चेंज सिर्फ कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगा बल्कि एक इग्निशन देना है कि चेंज के लिए सब लोग अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि हालात सोसाइटी के इतने ख़राब हैं कि उन हालात को बदलने के लिए सिर्फ चाय पे चर्चा और रोने से वो हालात बदलने वाले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों के हालात जब तक नहीं बदलता अता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक कि वो अपने हालात को खुद ना बदलें। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए कि अपने आप को चेंज करना है, हर मैदान के अंदर हर किसी को अपना रोल प्ले करना है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने पैरेलल सेशंस रखे। तलबा मदारिस का स्कूल स्टूडेंट का सेशन सुबह में हुआ और जब यहाँ पर हमारा मेडिकल्स का सेशन चल रहा था वहाँ पर टेक इग्नाइट के नाम से इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट्स का भी सेशन चल रहा था। तो डॉक्टर्स का सोशल चेंज में क्या रोल होगा, उस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखनी है। जब हम सोशल चेंज की बात बोलें तो फिर सवाल उठता है कि चेंज कहाँ पर लाना है, किस चेंज की बात हो रही है। चेंज क्या सिर्फ अपने आप के अंदर चेंज की बात कर रहे हैं, या सिर्फ हम हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के अंदर चेंज की बात कर रहे हैं, या हम पूरे सोसाइटी की चेंज की बात कर रहे हैं। जब इस मेडिसिन के मैदान में नए नए बच्चे आते हैं, जज्बे बहुत स्ट्रांग होते हैं, अज़ायम बहुत बुलंद होते हैं और बिल्कुल सेल्फलेस जज्बात होते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम सर्विस करेंगे और हम कभी भी करप्शन नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, और जब वो सिस्टम से उनका साबिफा पड़ता है, वो जिस बबल में रह रहते हैं वो बबल फूट जाता है, तो उस बबल के फूटने से जो मायूसी आती है या जिस स्टेटस को के अंदर चले जाते हैं उसमें से निकालने के लिए ज़रूरी है कि उस चेंज को किस अंदाज में हम समझें, ताकि हम एक झूठी दुनिया में नहीं बल्कि हम एक रियल दुनिया के अंदर वाकई में चेंज लाने वाले बने, ताकि हम हालात से मायूस ना हो बल्कि हमारे सामने मकसद वाजे हो। ये सेशन जो लोग मतलब एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए तो बस अब सामने टारगेट है कि पीजी की सीट, उनके लिए शायद थोड़ा बोरिंग लगेगा, मगर मैं तयकुन दिलाता हूँ, उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी हैं और जब चेंज की बात कही जाती है
फिर वो एक मायूसी की आवाज़ आती है, ये कहाँ हो सकता, पूरा सिस्टम ही वैसा है, हर जगह वैसा है, अब नहीं हो सकता। और एक इंटेलेक्चुअल ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर दो चीज़ों का बदलना बिल्कुल ही नामुमकिन है, और उसमें एक एजुकेशन का सिस्टम और हेल्थ केयर का एक सिस्टम वो बताता है। मगर इस अंदाज में सिर्फ मायूस होकर बैठना कि ये नहीं बदल सकता, हम सिर्फ अपनी दुनिया का अपनी ज़िंदगी का देखना, ये एक मोमिन का सेवा हरगिज नहीं हो सकता। एक डॉक्टर का असर उसके अतराफ की सोसाइटी पर ज़रूर होता है, लोग उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात का असर होता है। आप सोचिए कि मतलब एक डॉक्टर होता है तो उससे मेडिकल एडवाइस तो लोग लेते ही हैं, उसकी ज़िंदगी के सिलसिले में, उसकी बीमारी के सिलसिले में लोग मशवरे करते ही हैं, और उसके साथ साथ पर्सनल मामला के सिलसिले में भी सवाल करते हैं, शादी के सिलसिले में सवाल करते हैं, कहाँ पर रिश्ता करना सही है क्या, बस लोग ये भी पूछते हैं कि फलानी जगह घर लेना मुनासिब है क्या, फलाने फ्लोर पर लेना मुनासिब है क्या, फलानी गाड़ी मेरे स्पाइनिंग सही है क्या, इतने पर्सनल लेवल के भी लोग सवाल करते हैं। वही बात जो मतीन सर कह रहे थे कि मतलब लोग पूछते ही जाते हैं, मतलब सोचिए कि एक अटैचमेंट होता है, आप उसको परसिस्टेंस बोलिए या कुछ और बोलिए, उसको अटैचमेंट की नज़र में देखिए कि अगर आप उसको बोले कि सब खा सकते तो फिर वो पूछता है इडली भी खा सकते क्या, फिर आप बोलते नहीं नहीं सब खा सकते तो फिर पूछेगा दाल भी खा सकते क्या। एक किस्म का अटैचमेंट होता है कि वो जो बोले हमको वही करना है। तो आप सोचिए कितना इन्फ्लुएंस एक डॉक्टर अपने अतराफ में रखता है। और मैं समझता हूँ उससे आगे बढ़ते हुए कोई सहयोग का डॉक्टर होता है तो उससे तो और भी ज़्यादा तफसीली बात लोग करते हैं, जिसको हम पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं। ये लोग अपने आप को सामने डाल देते हैं कि हमको इनसे ज़िंदगी के बारे में मशवरा लेना है, और ये बहुत टफ सिचुएशन होती है जिसके अंदर लोग डालते हैं। डॉक्टर के माने जहाँ से डॉक्टर का वर्ड डिराइव होता है, डॉसियर से लैटिन का वर्ड है जिसके माने टीचर के आते हैं कि वो सिखाने वाला है। और इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर आज जिसको डॉक्टर कहते हैं उसकी तारीख को अगर आप पढ़ेंगे तो उसको हकीम कहा करते थे, और आज जो वर्ड सिर्फ यूनानी के साथियों के लिए बिल्कुल मुख्तस हो गया। सिर्फ हकीम नहीं बल्कि आप कोई वो वर्ड जो सिर्फ आज मदारिस के लोगों के लिए, सिर्फ उलमा के लिए भी मुख्तस कर दिया गया है, सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेसिफाई करके रख दिया कि वो भी डॉक्टर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, जो फ़कीह का वर्ड है। फ़कीह सिर्फ फ़िक़्ह पढ़ने वाले, सिर्फ जुरिसप्रूडेंस वाले लोगों तक आज मुख्तस कर दिया गया है, मगर हकीम और फ़कीह का वर्ड उन डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ ये टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है बल्कि पूरे अप्रोच में, पूरे बिहेवियर के अंदर और पूरे सिविलाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का फ़र्क है कि आज ये वर्ड बिल्कुल महदूद हो गया है, उसको समझने की ज़रूरत है। जब हम हकीम कहते हैं तो हकीम सिर्फ कुछ क्या बोलना चाहिए, हलवा दे देने वाले का नाम नहीं है। हकीम सिर्फ कुछ वाइज वर्ड्स और मोटिवेशनल स्पीच बोल देने वाले को वाइज नहीं कहते। वाइज के माने क्या होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाया कि वह बस सारा वो उयूब दुनिया, अल्लाह ताला उसको दुनिया के जो डिफेक्ट्स और दुनिया के जो फ्लॉज होते हैं, दुनिया के जो कमजोरियाँ होते हैं वो उसको दिखाते हैं, दआहा व दवाहा, और उस दुनिया के अंदर जितने प्रॉब्लम, जितने बीमारियाँ, जितने चैलेंजेस होते हैं उन सारे चीज़ों का भी उसको इल्म अल्लाह ताला उस हिकमत के ज़रिए से देता है, और सिर्फ प्रॉब्लम्स का इल्म नहीं बल्कि प्रॉब्लम को हल करने का भी अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला इल्म देता है। तो आप सोचिए कि हकीम सिर्फ इंसान के जिस्म तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के सिलसिले में वो विजडम उसका इहाता करती है। तो ये बात समझ लीजिए कि इस्लाम जब विजडम की बात करता है तो बिल्कुल लिमिटेड नहीं है बल्कि वो पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया का इहाता करता है। तो हम जब डॉक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर बैठ के मतलब जो बात शुरू में आई थी कि डॉक्टर का एक सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल और एजुकेशनल इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर होना चाहिए, सोचिए कि इतना वास्ट और इतना होलिस्टिक उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए तभी जाके हम हकीकी मानों में उसको हकीम कह सकते हैं। तो ये बात समझ में आएगी कि डॉक्टर ये है और डॉक्टर को इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या, इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या कहा जाता था। तो फिर कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि हम कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे। ये डिसरिगार्ड करने के लिए और बिल्कुल भी डिसरेस्पेक्ट करने के लिए नहीं कि ये समझ लेना कि कंट्रीब्यूशन एक मेडिकल कैंप कर लेना या कुछ लोगों के फीस को माफ़ कर देना, इस किस्म के कुछ काम कर देना ही डॉक्टर की पूरे कंट्रीब्यूशन की लिस्ट वहाँ पर भी ख़त्म हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है जो एक डॉक्टर को करना चाहिए तभी जाके हम वो चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसको हम एनविजन करना चाहते हैं। अगेन ये एक्सप्रेस करने के लिए कि डॉक्टर से कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल भी जो भी जो सर्विसेज हो रही है उसका डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए उनसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का इजहार है, उस चीज़ का एहसास बहुत शिद्दत के साथ हम सबको होना चाहिए।
तो मैंने जो कहा कि कंट्रीब्यूशन की और एक बहुत बड़ी दुनिया है जो हम हमारे डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सिर्फ सुपरफिशियल और डिस्कनेक्टेड एफर्ट ना करें बल्कि एक ऑब्जेक्टिव और होलिस्टिक अंदाज के अंदर तब्दीली के सिलसिले में चेंज और कंट्रीब्यूशन के सिलसिले में सोचें। हम एक सिविलाइजेशन चेंज के सिलसिले में सोचें कि अगर कॉर्पोरेट में ऐसा हो रहा तो हम हमारे पास बस इतना करेंगे, सिर्फ इतना चेंज काफ़ी नहीं है बल्कि एक पूरा सिविलाइजेशन चेंज, एक सिस्टमिक और एपिस्टेमोलॉजिकल चेंज हम चाहते हैं, तभी जाके वो बुराई, वो बीमारी जो है उस बीमारी के जड़ को भी आप समझ पाएंगे और उस जड़ से उसको निकालने की भी आप सलाहियत अपने अंदर पाएंगे। तो अगर उस रूट कॉज तक पहुंचना है, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है हमको, तो फिर हमको ये समझना है कि असल ऑब्जेक्टिव जो इस्लाम देता है हेल्थ का, हेल्थ केयर सिस्टम का, वो क्या है। एक चीज़ तो ये कि इस्लाम कहता है कि आफिया और शिफा वो चीज़ है जो इंसान हासिल करना चाहिए, इंसान उस कैफियत के अंदर हमेशा अपने आप को रखने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह के रसूल से साहबा ने पूछा कि बेहतरीन दुआ क्या है पूछने के लिए, तो आपने कहा कि आफियत मांगो। आफियत हर चीज़ में, दीन में भी, दुनिया में भी, अपने बदन में भी, अपने ज़िंदगी के मामलों में भी, हर चीज़ में आफियत मांगना है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये आउटकम है जो हम हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम से समझ चाहते हैं। और उससे आगे बढ़ते हुए इल्म भी एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन है, एक ऑब्जेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम का। थोड़ा फिलोसफिकल शायद होगा मगर ये चीज़ें समझना इस वास्ते ज़रूरी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट हिडन अंदाज में बाज़ वक़्त हमारे बिहेवियर के अंदर भी आ जाता है। इल्म का रास्ते ताल्लुक हेल्थ केयर से और इंसान की अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू दाऊद की हदीस है, अल्बानी ने उसको सही करार दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक आदमी मेडिसिन प्रैक्टिस करता है जबकि उसको उसका इल्म नहीं है, यानी ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है हाफ नॉलेज से या इनकम्प्लीट नॉलेज से या पूर्ण नॉलेज से, और उसके ज़रिए से वो जो भी नुकसान पहुँचाएगा फ़हुवा ज़ामिन, ही विल बी हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक बात तो समझ में आ गई कि हम मेडिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो पार्शियल नॉलेज से किसी और का प्रिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिए, वही चरट्टा हर प्रिस्क्रिप्शन पैड पर मार रहे हैं उस अंदाज में नहीं, बल्कि हम हमारे पास नॉलेज हो हम जब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये इस्लाम का एक उसूल है कि आप ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, तो आपको नॉलेज हासिल करना ताकि आप ट्रीट करें, ये एक उसूल इस्लाम सिखाता है। और उससे आगे बढ़ते हुए जितने नॉलेज है सिर्फ उसका हासिल कर लेने का इस्लाम बात नहीं करता, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लिकुल दाइन दवा, कि हर बीमारी की दवा है सिवाय मौत के, हर बीमारी की दवा है। मगर आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के सिलसिले में साइंस बोलती है कि इसका कभी इलाज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है इस हदीस का कि हर चीज़ की दवा है? तो हर चीज़ की दवा बस अचानक आसमान से मन्नो सलवा की तरह उतरने तो वाली नहीं है। मैं और आप हैं जो इस मैदान में कंट्रीब्यूशन के जरिए से उस नॉलेज को क्रिएट करेंगे कि इस बीमारी की ये दवा है। तो यहाँ पर एक बात समझने कि इल्म का जो बुनियाद इस्लाम मेडिकल साइंसेस में देता है कि वो अपनी नॉलेज में साउंड भी हो, अपडेटेड भी हो, और उसके साथ साथ नॉलेज को क्रिएट करने वाला भी बने, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने वादा किया कि हर चीज़ की दवा है, तो वो बेझिझक अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ में एक्सप्लोर करेगा और फिर नॉलेज को क्रिएट करने का काम करेगा। जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो फिर आज ढेर सारों आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, रोज़ कई सारे पब्लिश होते रहती है, एक एक टॉपिक के ऊपर आपको सैकड़ों पेपर्स मिलेंगे। एक मानो में नॉलेज एक्सप्लोजन का दौर है, रादर इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है, क्योंकि नॉलेज बिल्कुल विजडम के बगैर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही बाकी रहेगी। तो इतनी नॉलेज रहने के बाद विजडम कहाँ गई, ये बहुत अहम सवाल हमारे सामने होता है कि हर किसी के पास नॉलेज है, हर कोई रिसर्च कर रहा है, और वो एक बुनियादी चीज़ जो उसके साथ होनी चाहिए थी विजडम की, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम क्राइसिस में आता है, करप्ट होता है। सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर के लोगों के बिहेवियर भी तब्दील होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं कि उसके अंदर हम अपने ईमान को बरकरार रखें, अपनी कमाई को हलाल रखें। जो स्ट्रगल है वो सिर्फ स्ट्रगल करते रहना काफ़ी नहीं, बल्कि स्ट्रगल उससे आगे बढ़ते ये भी हो गया फिर हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे सिस्टम के अंदर हम चेंज ला सकें। तो ये जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है, आप सोचिए कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर शुरू हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बूम हुआ लास्ट सेंचुरी के अंदर, और उसके बाद में जो एरा स्टार्ट हुआ, फिलोसफर्स ने कहा कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, कि मॉडर्निटी थी जिसके अंदर इंसान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट में जा रहा था, और उससे आगे बढ़ते इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोड हुआ, और कोविड के दौर में उस इंफोडेमिक का टर्मिनोलॉजी आई कि इन्फॉर्मेशन वायरस से ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से और भी लोग जहनी तौर पर बीमार पड़ रहे थे। इतना इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद में पोस्ट मॉडर्निटी का दौर आया जहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन को, हर नॉलेज को हर कोई अपने हिसाब से जज करना शुरू किया, हर कोई उस चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करने की बात है कि ये बात है, ये रियलिटी है, और उस रियलिटी को भी डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। यहाँ तक कि अपने आप को
ये बोलना कि अपने अपने जेंडर के सिलसिले में कंफ्यूज रहना, मिसाल के तौर पे, कि वो एक रियलिटी है, हम बायोलॉजी में सब पढ़ते हैं, मगर इतना कंफ्यूजन के दौर के अंदर लाया कि अपने बॉडी को भी लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी रियलिटीज को इतना डीकंस्ट्रक्ट किया कि हर कोई अपनी एक नई रियलिटी बना लेना चाहता है। कोई कहता है कि मुझे आज से, कोई कहता है कि मुझे सी कहे, तो फिर उसके लिए सी कहना पड़ता है, अदरवाइज आप क्राइम कर बैठते हैं, उस पर जुल्म कर बैठते हैं। आप सोचिए कि वो रियलिटी है, मैं वो रियलिटी अपने आप के लिए डीकंस्ट्रक्ट किया। इतनी सब्जेक्टिव नॉलेज को, जो ग्लोबल होना चाहिए, जो कॉस्मिक लॉ है, उसको बिल्कुल सब्जेक्टिव बना लिया। जब हर कोई अपने अंदाज में सोचना शुरू कर रहा है, तो हर कोई अपने अंदाज में बिहेव करना शुरू करेगा, तब जाके वो एक इंडिविजुअलिज्म का बिहेव कर रहा है कि हर कोई सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, हर कोई सिर्फ अपने सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है, दूसरों का सोचना उसके सामने बिल्कुल कम होता है। अगरचे वो लोगों को ट्रीट भी करता है, तो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। पहले लोगों को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते थे, अब लोगों के अंदर की चीज़ों को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, कि वो सिर्फ उसके लीवर को ही देखता है, वो सिर्फ उसके दिल को ही देखता है, मगर उसके पूरे एग्जिस्टेंस को जो देखना है, वो प्रॉब्लम ये मैंटेलिटी से आया कि जब इंसान इतना सब्जेक्टिव हो गया, अपने रियालिटीज को इतना डीकंस्ट्रक्ट किया, और जो रियालिटी है उस रियालिटी के तह तक नहीं पहुँचा, तो वो जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह डील करने का मामला है। आप समझिए, कोई चीज़ को आप कोई इंसान को चीज़ के तौर पे अगर देखेंगे, तो ना एम्पैथी होगी, ना कोई दर्द होगा, आप बस एक बैग ऑफ टिश्यू को आप कुछ दवा लेकर उसके अंदर कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉडी को एज एन ऑब्जेक्ट डील करना, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जो अभी मेडिकल फील्ड के अंदर पाया जाता है। सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं, इंसान ह्यूमन बॉडी को किस अंदाज में समझता है, इस्लाम की क्या फाउंडेशन है। मैंने इल्म से आफियत से शुरू की थी, उसके अंदर एक चीज़ इंसान का जिस्म भी, इस्लाम बताते कि इंसान का जिस्म क्या है, मगर ये आज की जो मेंटालिटी बनी, इंसान अपने जिस्म को लेकर ही कंफ्यूज है कि वो आदमी है या औरत है, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। एक किस्म का डिसोसिएशन आया उसकी अपनी बॉडी में और उसकी अपनी मर्जी में, और वो डिसोसिएशन इतना बड़ा हुआ कि उसको तो एक कुव्वत दी कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे, मगर उस अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कुव्वत के साथ में उसको अपने आप को डिटरमाइन करने के कंफ्यूजन में डाला कि वो अपने आप के बारे में सोचता है, और अपने आप की हकीकत को पहचानने में वो कंफ्यूज हो जाता है। और थोड़ा शायद ये कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा, मगर अब सोचिए कि ये जब ऑब्जेक्टिफिकेशन का मसला है कि आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर है, आप उसकी पूरी ज़िंदगी को नहीं देख रहे हैं, तो आप उस हिकमत के जो डेफिनेशन इस्लाम ने दिया कि पूरी दुनिया के आयत को जानना हिकमत है, वहाँ से बिल्कुल महदूद होकर सुपर स्पेशलाइजेशन को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जाना है, मगर इंसान नॉलेज में इतना आगे बढ़ रहा है, और नॉलेज में इतना अगर हिकमत में बिल्कुल महदूद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज में, एजुकेशन में और विजडम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितनी बड़ी नॉलेज होती है, विजडम में और उतना इजाफा होना है, मगर जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ते जाती है, सुपर स्पेशलाइजेशन बनते जाते हैं, उतना ही महदूद और महदूद इंसान की हिकमत होती जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका साइलेंट अंदाज में बिहेवियर के अंदर फर्क पड़ता है। आप बोलेंगे ये सब फलसफा करने वाले बहुत बड़े बड़े नए नए गाढ़े टर्मिनोलॉजीज बोले डॉक्टर्स हैं और भी गाढ़े टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि एक सोचने का एक नया जाविया है जिसको इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये वो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर बार बार रहते हैं, एक पॉइंट के बाद में हम भी खुद वैसे बन जाते हैं, हम कुछ सुपरफिशियल अंदाज में काम करके समझते हैं कि हम बहुत बड़ी खिदमत का काम कर रहे हैं। वो साइलेंट अपने बिहेवियरल चेंजेस से अपने आप को बचाने, और बुनियादी तौर पे कि हम इस मैदान में इस्लामिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना है, क्या तब्दीली लाना है, वो हमको समझना है कि ये जो पूरी नॉलेज है मेडिकल साइंस की, पूरी दुनिया की, इंसान की हकीकत की नॉलेज, उसके रियलिटी तक हमको पहुँचना है। जब इस अंदाज में हम नॉलेज को नॉलेज समझ के, रियलिटी समझ के अप्रोच करेंगे, तब जाके हम सही मानों में हकीम बन सकते हैं कि इतनी होलिस्टिक उसका विजडम होगा कि वो सारी दुनिया में इहाता करेगा, वो सिर्फ एक पेशेंट को नहीं, सिर्फ एक हेल्थ केयर को नहीं, बल्कि पूरे सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। मैंने पूरी गुफ्तगू के अंदर हेल्थ केयर के अंदर कुछ मसाइल हैं, उसका कुछ फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड आपके सामने रखा, ताकि आप एंगेजमेंट के दौरान के अंदर, आपके एजुकेशन के दौरान के अंदर उन चीज़ों पर तवज्जो दें कि किस अंदाज में पढ़ाया जा रहा है, इंसान के जिस्म को, इंसान की फिजियोलॉजी को, इंसान की पैथोलॉजी को किस अंदाज में पढ़ाया जा रहा है। अब फोकस करें और सोचें कि हमारा ईमान तो एक खालिफ पर है, उस ईमान के बावजूद भी हमको किस अंदाज में पढ़ाया जा रहा है।
वो इल्म होने के बाद में यहाँ पर उस इल्म का उस इल्म की वजह से यहाँ पर हम और एडवांसमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, उस चीज की गहराई तक हमको पहुंचना चाहिए, तब जाके हम आखिर में हकीम बन सकते हैं। हेल्थ केयर के सिस्टम पर मैंने फोकस स्वास्थ्य किया क्योंकि वो हम रोजाना उसके ऊपर उससे जूझते हैं। पर आप और किए होंगे कि ये चेंज की जो बात मैंने की अपने नजरिए को लेके, अपने बिहेवियर को लेके हमको जो तवज्जो देनी है, उसका असर जरूर व जरूर सोसाइटी पर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल अच्छे हो जाएंगे, जो डॉक्टर के असर की हम बात कर रहे थे वो असर जरूर व जरूर सोसाइटी में आएगा। कि वो सिर्फ कुछ क्लिनिक चला के या कुछ हेल्थ कैंप करके नहीं समझेगा कि मैंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बल्कि वो पूरी फाउंडेशन से एक रिकंस्ट्रक्शन के काम की तरफ अपने आप को एनविजन करेगा। ये वो एनविजनिंग कराने का काम रिकंस्ट्रक्शन के रास्ते पर नौजवान अपने आप को लगाए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले 40 साल से कर रही आप लोगों से तवक्को है कि आप लोग भी इस कारवां में जुड़ेंगे, अपने अपने अंदाज में इस कॉन्ट्रीब्यूशन के इस रास्ते में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। हर कोई अलग अंदाज में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, कोई बिल्कुल ओवर में जाके क्या पढ़ाया जा रहा कैसे पढ़ाया जा रहा वहाँ से तब्दीली लाएगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन में लाएगा, कोई अलग मैनेजमेंट में लाएगा। हर किसी का अपना अपना मैदान है जहाँ पर वो कॉन्ट्रीब्यूशन लाएगा। और अपनी जो फाउंडेशन है, जो इस्लाम एक मकसद और एक आपको बुनियाद देता है कि इस बुनियाद के साथ में आपको चेंज लाना है, वो बुनियाद समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।